Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is pollen-pistil interaction and double fertilization. इससे पहले हमने माइक्रोजेनेसिस और मेगाजेनेसिस पढ़ लिया है. ओव्यूल कैसे, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक कैसे बना, उसमें एग कैसे बना और पॉलिन कैसे बने, ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ लिया है. और पॉलिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, जिसको भी मेरा वीडियो देखना हो वो देख सकता है. तो आगे हम स्टडी करेंगे अब पॉलिनेशन के बाद. तो पॉलिनेशन में क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन. और जो हमने पॉलन ग्रेन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि टू सेल स्टेज होती है पॉलन की, या थ्री सेल स्टेज जिस समय इसका ट्रांसफ़र होता है टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट और अनदर प्लांट. दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये दो सेल या तीन सेल का पॉलन है, जो है इसमें एक्साइन होती है मोटी, और ये इसको कुछ जगहों पर एक्साइन एब्सेंट होती है जहां पर जर्म कोर होती है. तो ये तो हो गया टू सेल पॉलन, और ये है थ्री सेल पॉलन. ज़्यादातर में टू सेल स्टेज पर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा तक. ये होती है, ये वाली सेल जो है ये हो गई वेजिटेटिव सेल, और ये कहलाती है जेनरेटिव सेल. लेकिन जिसमें थ्री सेल स्टेज पे शेड होते हैं पॉलन ग्रेन्स, उसमें ये तो वेजिटेटिव सेल है, और ये जो है ये क्या हो जाते हैं, दो मेल गैमेट बन जाते हैं. जो जो जनरेटिव सेल है वो मेल गैमेट्स में बढ़ जाती है. तो इस तरह की भी हो सकती है और इस तरह की होती है. अब केवल ट्रांसफर से, पॉलन का ट्रांसफर से स्टिग्मा पर, इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि अब ये जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद कि जब इनका जर्मिनेशन होगा इसमें से पॉलन ट्यूब बनेगी. लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि कोई सा भी पॉलन आके किसी भी प्लांट के स्टिग्मा पे गिरेगा तो उसमें पॉलिनेशन हो, पॉलन ट्यूब बनेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है. उसमें क्या होना चाहिए, कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए किसके बीच में, पॉलन और स्टिग्मा के बीच में. पॉलन जो आ रहा है और जो स्टिग्मा है, ये तो स्टिग्मा है और इस पे जो है पॉलन आया, तो इसकी ये पॉलन और ये स्टिग्मा के बीच में क्या होनी चाहिए, कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए. और यदि पॉलन रॉन्ग टाइप का है, मतलब इसमें कंपेटिबिलिटी नहीं है, गलत टाइप का है स्टिग्मा पर, तो क्या होगा, ये जर्मिनेट नहीं करेगा, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी. और यदि जर्मिनेट करेगा भी तो इसकी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी. वैसे क्या होगा, वैसे भी हम देखेंगे पॉलन ट्यूब बनती है और स्टाइल के थ्रू अंदर जाके ये एग सेल तक जाती है. लेकिन यदि ये कंपेटिबल नहीं है, गलत पॉलन आ गया है यहाँ पर किसी और प्लांट का आ गया है, तो या तो इसमें पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, और यदि बनेगी तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी. ये जो एबिलिटी है ये किसके पास है, पिस्टिल के पास. ये पिस्टिल के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स को, कि ये कंपेटेबल है या इनकम्पेटेबल है, ये सही प्लांट से आए हैं या किसी इस तरह के प्लांट क्या है जो इसको बिलोंग नहीं करता है. और यदि ये राइट टाइप है, कंपेटेबल टाइप है, तो क्या होगा, पोस्ट पोलिनेशन जो इवेंट्स हैं वो होंगे. और ये कैसे ये कंपेटेबल पहचानते हैं, ये केमिकल इंटरेक्शन होता है बिटवीन पिस्टिल, ये पिस्टिल है
इसका स्टिग्मा है ये, और ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। यदि ये कंपेटिबिलिटी है, कैसे पहचान में आता है, ये पिस्टिल का जो होता है पिस्टिल, वो केमिकल इंटरेक्शन से पहचान लेता है कि पॉलन और पिस्टिल सेम है कि नहीं। कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ये रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको, पर ये कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। अब यदि कंपेटिबल पॉलिनेशन हो गया तब क्या होगा कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे और कहाँ पर, स्टिग्मा पे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉलन ट्यूब। जो ये पॉलन जर्म पोर्स हैं, ये जो है ये जर्म पोर है, जहाँ पर एग्जाइन नहीं, क्योंकि एग्जाइन बहुत हार्ड होती है, जहाँ जहाँ पर एग्जाइन नहीं है, बीच में गैप रहता है, उस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं। इसी के थ्रू जो है ये पॉलन ट्यूब निकलती है। तो इंटाइन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है और ये वेजिटेटिव सेल है और मेल गैमेट्स है, ये सब पॉलन ट्यूब में से होके बाहर आते हैं। तो इसमें इस तरह से हो जाएगा ये, ये तो बाहर की एग्जाइन है और अंदर जो है वो इंटाइन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, वो पूरा इसमें क्या होगी, बाहर आ जाएगी। और ये जो वेजिटेटिव सेल है का न्यूक्लियस है और जो मेल गैमेट्स है या जनरेटिव सेल है, वो जो है वो इसमें अंदर आ जाते हैं। ये जो है ये है मेल गैमेट। तो इन्होंने क्या बना दिया, पॉलन ट्यूब। ये एग्जाइन है, ये तो बहुत हार्ड होती है, और जो इसके अंदर है इसलिए जो पूरा का पूरा क्या बना दिया इन्होंने, पॉलन ट्यूब बना दिया। और मेल गैमेट और पॉलन जो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लिया या सेल का न्यूक्लियस है, वो भी क्या होगा, पॉलन ट्यूब में ही अंदर आ जाता है। तो इस तरह से कोई सा भी एक जर्म पोर के थ्रू ये पॉलन ट्यूब आ जाएगी और इस समय जर्मिनेशन, इसको हम कहेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसके लिए क्या इसेंशियल है एलिमेंट, इसके लिए बोरोन, इसके लिए बोरोन एलिमेंट जो है वो इसेंशियल होता है फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022। मैच द कॉलम होता है उसमें क्या होगा, एक साइड में तो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, बोरोन मोलिब्डेनम इस तरह से, आयरन ये, और दूसरी साइड वो फंक्शन है किसके लिए, तो आपको बोरोन को किससे मैच कराना है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। तो जर्मिनेशन जो होता है स्टिग्मा पर होगा इस तरह से, ये स्टिग्मा है और यहां पर ये क्या होगा, अलग अलग साइज की पॉलन ट्यूब्स ये जर्मिनेट करके इसमें से आएंगे। तो ये जो ये तो है पॉलन ग्रेन है और इसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, इसके अंदर ये ग्रोथ होगी इनकी, ये पॉलन ट्यूब की। ये पिस्टिल का पार्ट है, ये स्टिग्मा का पार्ट है, ये स्टाइल है। तो इस तरह से ग्रो करते करते कहां जाएंगे, अंदर ये स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब चली जाती है और ये पॉलन ट्यूब अपने साथ में मेल गैमेट और जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसको भी ले जाते हैं। एक ऐसा माना जाता है कि वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वही रास्ता बताता है मेल गैमेट्स को भी या पॉलन ट्यूब को, जिससे कि ये अंत में कहाँ जाना है इनको, अंत में ये ओव्यूल में पहुँच के और उसके माइक्रोपाइल के थ्रू होके फिर ये माइक्रोपाइल एंड में अंदर एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं। तो इसलिए ये पूरा जो प्रोसेस है यहाँ तक, ये यदि पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज में है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है,
तो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर क्या करेगा कि ये टू मेल गैमेट देगा। यदि थ्री सेल स्टेज था तब तो सीधे सीधे हो जाएगा, लेकिन यदि टू सेल स्टेज है तो जब पॉलन ट्यूब बनती है उसी समय जनरेटिव सेल क्या बनाएगा, दो मेल गैमेट्स बनाएगा और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ उसमें अंदर स्टाइल की तरफ बढ़ेगी। दोनों ही केस में, चाहे टू सेल स्टेज हो चाहे थ्री सेल स्टेज हो पॉलन की, पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमेट ये जो है पहुंचेंगे ओवरी तक अंदर। तो चाहे दो सेल स्टेज है या थ्री सेल स्टेज है उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो पिस्टल का पार्ट है, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी, ये पूरा पिस्टल है। और इसमें जो यहाँ आप पर आ गए ये हो गए पॉलन ग्रेन्स। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, यहाँ पर हम एक ही बनाएंगे जिससे कि उसको समझने में आसानी हो। इस ओव्यूल का ये तो हो गया एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के दोनों ओर हो गए यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, ये न्यूसेलस हो गया और ये इंटेगुमेंट होगा इसके। उसके बाद ये यहाँ पर इसमें इस तरह से हाइलम और फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा रहेगा। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम, ये माइक्रोपाइल है, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक तो तीन एंटीपोडल्स होंगे, दो यहाँ पर सिनर्जिड होंगे और एक एक्सेल होगा और बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, इसका अलग से बना देंगे। और ये जो पॉलन ट्यूब यहाँ से बनी, इसमें से ये पॉलन ट्यूब बनी, ये क्या करेगी, ग्रो करते करते कहाँ पहुँचेगी, ये यहाँ माइक्रोपाइल। ये पूरी जो है पॉलन ट्यूब है और इसमें दोनों मेल गैमेट हैं। ये है पॉलन ट्यूब, यहाँ पे कितने भी पॉलन ट्यूब बन सकती हैं, लेकिन जो एक पहुंचेगी वो एक ही होगी, उसमें मेल गैमेट्स होंगे। वो पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई, माइक्रोपाइल के अंदर। अब यहाँ पर जब इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड पे तो दो सिनर्जिड है और एक एग सेल है और दूसरे एंड पर एंटीपोडल्स हैं तीन और बीच में न्यूक्लियाई हैं पोलर न्यूक्लियाई। पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंची, यहाँ। अब ये क्या करती है पॉलन ट्यूब, एक सिनर्जिड में एंटर करेगी, ये है सिनर्जिड, एंटर करेगी और अपनी दोनों जो मेल है गैमेट्स हैं उनको इसमें रिलीज कर देगी। तो ये दोनों यहाँ रिलीज हो जाएंगे। इतना पोर्शन यदि हम लें, इसका छोटा पोर्शन लेते हैं, ये तो हो गए सिनर्जिक जिसमें कि फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होते हैं, ये गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को एग सेल तक पहुंचने में। ये हो गए पोलर न्यूक्लियस। तो पॉलन ट्यूब जब यहाँ आई तो ये इसके अंदर एंटर करेगी और एंटर करके इसने दोनों मेल गैमेट जो है वो निकाल दिए सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म। पॉलन ट्यूब
जब ओव्यूल में एंटर करेगी कहाँ से, माइक्रोपाइलर एंड से, माइक्रोपाइल के थ्रू। और कब किसी किसी केस में ये चलेजल एंड से भी आती है या बीच में सी आती है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आप खाली ये समझना है कि माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल के थ्रू ये एंटर करती है और कहाँ पहुँचती है, एक सिनर्जिक के अंदर पहुँचती है, इसके थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस है जो पढ़ चुके हम। सिनर्जिस्ट में होते हैं, ये पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू एक सिनर्जिड में एंटर करेगी और अपने दोनों मेल गैमिट्स को उसके अंदर छोड़ देगी। तो मेल गैमिट्स यहाँ पर ये दोनों आ गए। अब क्या होगा, फिलीफॉर्म एपरेटस ने गाइड कर दिया एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को, और अब तक जो प्रोसेस हुए हैं यहाँ तक फ्रॉम पॉलन ऑन स्टिग्मा टू यहाँ तक दिस, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलिनेशन से लेके इसका पॉलन ट्यूब का सिनर्जिड के अंदर घुसना और अपने मेल गैमेट्स को फ्री कर देना उसके साइटोप्लाज्म में, ये कहलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इतना तो नेचुरल में होता है, लेकिन अब क्या है, अब जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिजायर्ड हाइब्रिड बनाते हैं। माने हम दो प्लांट इस तरह के डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले लेते हैं और उनको क्रॉस करा के हम नया ऑर्गेनिज प्लांट बनाना चाहते हैं, तब यहाँ पर ये जो है इसको हम जो जो कंपेटिबिलिटी है उसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद ये मैनिपुलेट किया जाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, और तब इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन भी, उससे भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मतलब ये तो अब रिसेंट काम है, पर नेचुरल प्रोसेस में यही होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसमें क्या करते हैं हम ईमैस्कुलेशन और बैगिंग करते हैं। ईमैस्कुलेशन माने किसी भी फ्लावर से स्टेम्स को हटा देना, एंथर्स को हटा देना, तो वो हो गया ईमैस्कुलेशन, जिससे कि उसके पॉलन जो है वो फर्टिलाइज ना कर सके उस फूल के एग को। तो ये तो खैर प्रोसेस है प्लांट ब्रीडर्स के लिए, पर हम यहाँ पे मैनिपुलेट करके ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बैगिंग में क्या करते हैं, हम पूरे पिस्टल को कवर कर देते हैं बैग लाइक प्लास्टिक के स्ट्रक्चर से, जिससे कि पॉलन उसमें ना, डिजायर्ड पॉलन ही वहाँ पर आए, उसी से पॉलिनेशन हो, अनडिजायर्ड से ना हो। इतना पूरा हो गया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये जो है ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है सेंट्रल सेल। ये दो सिनर्जिड है और ये है एग सेल, ये सिनर्जिड। अब ये दोनों पहुंच गए अंदर, अब क्या होता है, ये सिनर्जिड ये नष्ट खुद ओपन हो जाता है और ये इसको सिनर्जिस दोनों जो हैं उनका काम खत्म हो गया और ये लगभग डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। एग सेल है अभी, तो ये जो एक मेल गैमिट तो कहाँ जाएगा, वो तो चलेगा इसकी तरफ एग सेल की तरफ, और जो दूसरा है मेल गैमिट वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। ये है पोलर न्यूक्लियाई और ये है मेल गैमिट्स, ये है एग। एक मेल गैमिट गया एग के पास और एक मेल गैमिट गया पोलर न्यूक्लियाई के पास, सिनर्जिस दोनों उनका रोल खत्म हो गया, तो ये डिमिनिश हो जाते हैं। इनका जो मटेरियल है न्यूट्रिएंट वो सब, ये एक्सेल जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब ये जाइगोट और उसके बाद एम्ब्रियो यूज कर लेता है। इसी तरह से एंटीपोडल्स का भी काम केवल न्यूट्रिशन देना है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है जाइगोट बन जाएगा या एंडोस्पर्म बन जाएगा, उस समय ये न्यूट्रिएंट दे के खत्म, इनका काम खत्म हो जाता है। तो अब होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। तो एक तो गया कहाँ, एक मेल गैमेट गया है एक्सेल के पास
और एक मेल गैमेट गया है पोलर न्यूक्लियाई के पास, दोनों में फ्यूजन होगा, एक फ्यूजन यहाँ होगा एक फ्यूजन यहाँ होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों मेल गैमेट जो हैं वो सिनर्जिक के साइटोप्लाज्म में गए थे और वहां से एक एक्सेल की तरफ गया, तो एक तो मेल गैमेट क्या होगा मूव टुवर्ड्स द एक्सेल और उससे फ्यूज हो जाता है, यहाँ पर ये एक्सेल है और इससे कौन फ्यूज हो गया, ये मेल गैमेट फ्यूज, ये फ्यूज हो गया, और दूसरा जो है ये दो पोलर न्यूक्लियाई से जाके फ्यूज हो गया। तो ये जो फ्यूजन होगा इससे एक तो वन मेल गैमेट, ये जो मूव करेगा टुवर्ड्स एक्सेल और इससे फ्यूज होगा, इसको एक इससे फ्यूज होगा एक्सेल से, इसको क्या कहेंगे सिंगेमी। और इससे क्या बनेगा, ये सब स्ट्रक्चर हैप्लॉइड थे, एन थे, ये पूर्ण न्यूक्लियाई भी क्या है एन प्लस एन है, मेल गैमेट भी एन है, एक्सेल भी एन है, हैप्लॉइड है सब, तो ये जब ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड मिलेगा तो इससे क्या बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। तो एक मेल गैमेट ने तो एक्सेल से फ्यूज हुआ, इसको हमने कहा सिनगैमी और बना उससे डिप्लॉइड जाइगोट, ये है और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, एक मेल गैमेट किससे फ्यूज हुआ एक्सेल से और उससे क्या बना डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट कैसा होता है डिप्लॉइड होता है, ये अभी इसमें ये जो स्ट्रक्चर थे एम्ब्रियोसैक के अंदर सब हैप्लॉइड थे और अब पहला बना डिप्लॉइड, ये इससे फ्यूज हो गया और ये क्या बन गया, अब ये क्या हो गया जाइगोट हो गया। तो सारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में ये डिप्लॉइड हो गया और दूसरा मेल गैमेट ये कहां गया था मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल है पूरी, इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई थे उनके पास गया और वहां फ्यूज होके और वहां पे क्या बनाएगा ट्रिप्लॉइड, क्योंकि ये एन 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 दो पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन और एक मेल गैमेट एन, तो क्या बनेगा ट्रिप्लॉइड बनेगा, अदर मेल गैमेट प्लस टू पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या बनाएंगे ये ट्रिप्लॉइड बनाएंगे और उसको कहते हैं हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये पूरा मिलके क्या बना दिया इन्होंने, ये हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और ये क्या होगा ट्रिप्लॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो ट्रिप्लॉइड है और जो जाइगोट बना वो क्या है डिप्लॉइड है, ये दोनों बाकी जो स्ट्रक्चर थे एम्ब्रियो सैक के अंदर सब क्या थे हैप्लॉइड थे क्योंकि वो मेगास्पोर से बने थे और मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, तो इस तरह से ये ट्रिप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, डिप्लॉइड तो क्या हुआ जाइगोट बना जो बाद में एम्ब्रियो बनाएगा और ये ट्रिप्लॉइड जो बन रहे हैं ये क्या होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो बाद में फिर क्या बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, क्योंकि ये सेंट्रल सेल जो है
ये इसी में ग्रो करना शुरू करेगा और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा। तो इस तरह से दो फ्यूजन हो गए। ये वाला फ्यूजन जो है ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो एक तो हुआ सिंगेमी और एक हुआ ट्रिपल फ्यूजन। दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो गया, एक तो मेल गैमेट जो फ्यूज हो रहा है एग सेल से वो है, उसको हमने कहा सिनगेमी। इसमें क्या हुआ, एक मेल गैमेट जो कि एप्लॉयड है प्लस एग सेल का न्यूक्लियस क्या है एन है, इससे बना क्या डाइगोट, वो क्या है डिप्लॉयड। और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन, उसमें क्या हुआ, एक दूसरा वाला मेल गैमेट जो कि हैप्लॉयड है और टू पोलर न्यूक्लियाई जो क्या है एनएन है, और इन्होंने क्या बनाया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक तो सिंगेमी हो गया और एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन, दो हो गए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दो फर्टिलाइजेशन होंगे, एक सिंगेमी इससे बनेगा डिप्लॉयड डाइगोट और एक ट्रिपल फ्यूजन इससे बनेगा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो एंटीपोडल्स हैं वो उनका फंक्शन था न्यूट्रिशन में और वो उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर केवल क्या रह जाएगा, एक तो जाइगोट जो डेवलप हो रहा है और एक जो है वो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो बाद में इस तरह से एम्ब्रियो सैक था, इसमें एक तो बन गया जाइगोट, ये जाइगोट है और एक बनेगा जिसका ये न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल सेल पूरी है मिलके, तो ये तो हो जाएगा जाइगोट और ये जो हो गया ये सेंट्रल सेल जो थी वो अब क्या हो गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या होगी ट्रिप्लॉयड है और ये डिप्लॉयड है, ये सिंगेमी से बना है और ये ट्रिपल फ्यूजन से बना है, इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 और 2019। कैसे डबल फर्टिलाइजेशन है, दो होते हैं, एक सिंगेमी होती है और एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंगेमी में मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होगा और एग न्यूक्लियस से और वो जाइगोट बनाएगा और ट्रिपल बाद में फिर ये एम्ब्रियो बनाएगा और फिर पूरा प्लांट बनेगा। और ट्रिपल फ्यूजन में दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और वो मिलकर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो बाद में फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल हो जाती है और सेल फिर एंडोस्पर्म बनाती है जो कि आगे जब सीड बनता है तो सीड के लिए ये भोजन का काम करती है। तो इस तरह से एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म कैसा होता है, एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉयड डिप्लॉयड होता है क्योंकि ये दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फ्यूजन से बना है। तो सिनर्जिस का काम खत्म हो गया, एंटीपोडल का काम खत्म हो गया, केवल जाइगोट रह जाता है और जो ये पोर्शन है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो बाद में एंडोस्पर्म बनाएगी और ये जाइगोट जो है ये एम्ब्रियो बना देता है और पूरा का पूरा ओव्यूल जो है वो सीड में बदल जाता है। तो इस तरह से ये डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।